ईद उल जुहा के मौके पर देश भर में मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की है। वहीं ख्वाजा का शहर अजमेर भी सूफियाना रंग में रंगा हुआ नजर आया। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जायरीनों के लिए जन्नती दरवाजा खोल दिया गया और साल में केवल चार बार ही इसे खोला जाता है। ईद की खुशियां मनाने के लिए ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर देश भर से हजारों जायरीन अजमेर शरीफ पहुंच चुके हैं। की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज का दिन त्याग, आत्म इच्छा का समर्पण और आज्ञाकारिता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इन तीन शब्दों की आज के दौर में बहुत सख्त ज़रूरत है। हर इंसान इन तीन शब्दों का सही अर्थ समझते हुए अपने जीवन में उसको इस्तेमाल करे और जिससे कि मुल्क में और आपस में एक दूसरे के प्रति मोहब्बत कायम रहे, मुल्क में अमन अमान कायम रहे। हिंदुस्तान एक हमारा एक वाहिद मुल्क है, दुनिया के लिए मिसाल है। मैं अजमेर के सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद और सबको बरकत दे और सब फले फूले आगे बढ़े। जय हिंद जय भारत। और आज अमन चैन